हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आज हम अपनी क्लास में क्या करेंगे? कुछ नया सीखेंगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हम क्या अपना अक्षर लिखना सीखने से पहले उसके बेसिक्स सीखेंगे। जैसे हमने इंग्लिश में क्या किया था, इंग्लिश में हमें लेटर बनाने होते हैं, बट लेटर बनाने से पहले हम उनके बेसिक स्ट्रोक्स सीखते हैं, है ना? आपने क्या सीखा था? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और उसके बाद स्टार्ट होती हैं लेटर्स। उसी तरह हिंदी में भी बेसिक के लिए हमें पहले आपको हाफ कर ऐसा ही बिंदु मिलाओ सीखना होगा, उसके बाद में हम अपने अक्षर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हमें क्या करना होगा? प्रेयर। जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज, स्पीक विद मी। ओम भू भुवः स्वः तत्सत् विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओपन योर आईज, डाउन योर हैंड्स। यस, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आपको गायत्री मंत्र डेली बोलना है ना? था बोलते हो? वेरी गुड। आप सबको अपना गायत्री मंत्र घर पे बोलना है। ठीक है, अब मेरे साथ ओरल करेंगे बॉडी पार्ट्स। हेयर्स, हेड, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, चेक्स, चिन, ईयर्स, नेक, शोल्डर्स, हैंड, फिंगर्स, थंब, चेस्ट, स्टमक, लेग्स, नीज एंड टोज। ये क्या है? बॉडी पार्ट्स। क्या है ये? बॉडी पार्ट्स। यस, अब मेरे साथ काउंटिंग बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या है? काउंटिंग। काउंटिंग हम अभी पहले बोलना सीखेंगे 1, 2, 10। ठीक है, जब आपको 1 to 10 अच्छे से लर्न हो जाएगी, फिर हम आगे भी सीखेंगे। ओके, ये सब मेरे साथ बोलेंगे A to Z। सो ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOPQRST UVW X Y Z, sugar on the bread. If you don't like it, better go to bed. Better go to bed. Come to me. I will teach you. ABC. Clapping, clapping. वेरी गुड। अब मेरे साथ बोलेंगे अ से ऋ से ऋषि बाबा तक। ठीक है, हम अ से अह पूरा नहीं बोलेंगे, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अ से अना, आ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ई, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा। तो आपको ये सॉन्ग भी लर्न करने हैं दोनों, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। उसी तरह हमें, मैंने आपको कहा था आप घर पे भी पिक्चर आइडेंटिफाई किया करो, है ना। तो करते हो ना सर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बियर, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। अब हम हिंदी में करेंगे। हिंदी में देखो, आपके पास है ना ऐसी बुक, करेंगे अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, छोटी इसे इमली, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईक, बड़ी इसे ईक, छोटा उसे उल्लू, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, री से ऋषि बाबा। यस, अब मेरे साथ राइम बोलेंगे, हिंदी की पोयम बोलेंगे। आज हम एक न्यू पोयम सीखेंगे, मिट्ठू मिट्ठू तोता, डाली ऊपर सोता, दूध रोटी खाता, राम राम बोलता। अगेन, मिट्ठू मिट्ठू तोता, डाली ऊपर सोता, दूध रोटी खाता, राम राम बोलता। आपको भी ये पोएम लर्न करनी है, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगेन बोलेंगे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके, ये दोनों पोएम्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना रिटर्न। रिटर्न में मैंने आपको बताया है आज हम करेंगे हिंदी की नोटबुक का वर्क। ये आपको कौन सी नोटबुक में करना है, हिंदी में, ठीक है। अब हिंदी में टू लाइंस वाली नोटबुक में करना है, एक बिग लाइन होती है ऐसे और एक शॉर्ट। तो शॉर्ट वाली में नहीं करना, बिग लाइन वाली में ही आपको लेटर लिखना है, ठीक है। कैसे देखो, ये आपको मम्मा ऐसे लिख के देंगे फर्स्ट लाइन में, इसको देख के लिखना है, टू डॉट लगा के देंगे। अब आपको बिंदु मिला के कर्व बनाना है, बिग नहीं शॉर्ट, ठीक है। स्मॉल कर्व कैसे, फर्स्ट डॉट पे रखोगे, कर्व बनाओगे ऐसे, ठीक है। हम पूरा सर्किल बनाते हैं ना, पूरा सर्किल नहीं बना के हाफ सर्किल तक ही स्टॉप कर देना है। यहां से बनाएंगे,
कैसे, ठीक है, कैसे फर्स्ट डॉट पे रखेंगे और ये सेकंड डॉट तक कर्व बना देंगे। फर्स्ट डॉट पे रखेंगे ऐसे, ये है। जब हम ये बनाना सीख जाएंगे बिंदु मिलाना, तो हम इसके बाद ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, अ से अनार, आ से आम, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह घर खाली, ई से इमली, ये सब लेटर हिंदी के ई जाएंगे। और इसी से ही बनेगा 5, 3, 6। आप कर्व बनाना सीखोगे तो वो सब भी लिख लोगे, है ना। इसीलिए पहले आपको बेसिक्स सिखाएंगे, उसके बाद में हम अक्षर सीखेंगे। फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखोगे अपनी, आराम से धीरे धीरे घुमाते हुए ऐसे, ठीक है। देखो मामा आपको ऐसे 2 डॉट लगा के देंगे, तो आपको इसको ऐसे छोटा सा डॉट कर्व नहीं बनाना है, नो, ऐसे कर्व नहीं बनाना है, इसको पूरा अच्छे से घुमा के बनाना है, ठीक है। अच्छे से घुमा के बनाओगे कैसे, ऐसे, ठीक है। ये देखो फर्स्ट डॉट पे हैंड रखोगे और ऐसे, ये ऐसे, बिग कर्व भी नहीं बनाना है आपको, और ये ऐसे भी नहीं करना है, एकदम अच्छा सा यहीं से कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आया आपको क्या करना है हिंदी में आज? हिंदी में आज आपको करना है बिंदु मिलाओ, ठीक है। किस नोटबुक में करना है? हिंदी की नोटबुक में। यस, अब आपको मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लर्न करवाया था, हाउ आर यू, आप क्या रिप्लाई करेंगे? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हो, तो आपको क्या रिप्लाई करना है? मैं ठीक हूँ। क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? What is the name of your school? क्या बोलेंगे? My school's name is Leal Public School. What is the name of your school? My school name is Leal Public School. कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? Leal Public School. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लर्न करने हैं, और ये वर्क भी एकदम अच्छे से करके एकदम नीट एंड क्लीन मुझे सेंड करना है, ठीक है। और अगर आपको कर्व बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत आए, आप मेरे से पूछ लेना, मैं अगेन आपको समझा दूंगी। बाय।